होते करते बनाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं बिटिया। हम हमारी बिटिया रानी के लिए एक नरम नरम रुई से सुंदर सा हल्का फुल्का गद्दा जरूर बनाएंगे, जिसमें तुम चैन की नींद सो सकोगी और उसमें तुम परियों के और राजकुमारियों के सपने देखना। हफ्ते में एक दिन मैं तुम्हारे सपने में आऊंगा ये पूछने के लिए कि मेरा नरम नरम सा गद्दा कैसा है। सच्ची? मुच्ची। चलो चलो बजाओ। आप भी बजाओ टंग टंग। काल, ये सुरों बेतालों को समझ नहीं है तो संगीत को छेड़ते क्यों है? जरूर ये वो महारानी की बेटी होगी। माँ तो माँ, बेटी ने भी जीना आराम कर दिया है, पूरे मोहल्ले का सुरताल बिगाड़ के रखा है। अरे अपने ही घर में मैं चैन से जी नहीं पा रहा हूँ। ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। डिंग 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 डिंग। पास नहीं आओगे तुम दोनों, है ना? जुगलबंदी चल रही है, ला दे मुझे ला। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ए लड़की, आफत की पुड़िया, निकल यहां से, निकल। मम्मा, मम्मा। चेतावनी दे रहा हूं, एक बार और ऐसी आवाज इस गंदी चीज से निकली ना तो मैं क्या कर सकता हूं तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। मैं इस मोहल्ले की शांति भंग होने नहीं दूंगा और जब तक मैं जीवित हूं इस मोहल्ले की शुद्धता को किसी अविश्वास के हाथों बलि नहीं चढ़ने दूंगा। एक आवाज और नहीं कफूर, निकलो यहां से, निकलो। जल्दी निकलो, जल्दी करो। और आज के बाद इस मोहल्ले में आना मत। ये देखो, ये है हमारी मंजिल। अभी तक तो ये सिर्फ फोटो में है, लेकिन बहुत ही जल्दी हमें इसे हासिल करना है। ओके? शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे सामने हमसे अच्छी टीमें, उनके पास अच्छी क्रिकेट किट्स हो, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी सुविधाएं मिली हो, ज्यादा वक्त मिला हो, लेकिन उन्हें हमसे खेल के ये साबित करना होगा कि वो हमसे अच्छे हैं। हमें एक टीम होकर खेलना पड़ेगा। हमारी यूनिटी हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। शायद सामने वाली टीम हमारे इस यूनिटी को तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन उसी समय हमें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अच्छे से खेलना है। बस अब तुम सबका फोकस सिर्फ और सिर्फ कप पर होना चाहिए, समझ गए? समझ गए? यस मैडम, यस मैडम। हाँ मैडम, ठीक है मैडम। जोर से बोलो। यस मैडम। क्या बात है विराट,
तुम खुश नहीं हो? कुछ कहना है तुम्हें? मैडम जी, क्रिकेट तो हम जी जान से खेलेंगे और बहुत अच्छा भी खेलेंगे, लेकिन जैसा आपने कहा था उसके लिए हमें सिर्फ क्रिकेट खेलना होगा। मेरे लिए सिर्फ क्रिकेट सोचना मुमकिन नहीं है। अब पहले से मेरे सिर पे बेकरी का तो बवाल था ही, अभी एक कप जीतने का बवाल। बेकरी में पहले से इतनी भागदौड़ होती है कि मैं इतना थक जाता हूँ, यहाँ के आप भी मुझे दौड़ाती हो। अब मैडम ऐसे तो मैं मर ही जाऊंगा ना, और सिर्फ मैं नहीं, इमरान, बशीर, बलराम, मैडम जी इन सबको घर पे कोई ना कोई काम होता ही है। तो मेरा कहना बस ये है कि अगर अगल बगल के कामों से छुटकारा मिले तो ही तो बल्ला चले ना दिल खोलकर। दीदी मैं आती हूँ। हेलो मम्मा, मम्मा। शुभांगी अच्छा क्या हुआ, तुम रो रही हो? वो अंकल है ना, अंकल। कौन अंकल? शुभांगी ठीक से बताओ, शांति से आराम से बताओ, कौन से अंकल? वो बने थे ना, बहुत डांटा। क्या? मेरे हाथ से छीन कर मेरी खाने की तोड़ दी। तुम शांत हो जाओ शुभांगी, शुभांगी रोना बंद करो, पहले मुझे ठीक से बता। तुमने कपू चाचा को भी बहुत चिल्लाया, बताए वो मम्मा जल्दी आ जाओ। मैं आती हूँ। हाँ तुम शांत हो जाओ, तुम रोना बंद करो पहले। जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं आंटी के घर पे ही रहूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरते नहीं है बच्चा, और रोना बिल्कुल बंद। बहादुर बच्ची हो ना मेरी, हो ना, तो बस अब रोना बिल्कुल बंद। अच्छा अगर हमारे हाथ से हमारी चीज कोई छीन लेता है और उसे तोड़ देता है तो हम रोएंगे थोड़ी? अरे हम तो उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ओके अब मम्मा क्या बता रही है ध्यान से सुनना। ये क्या है? शैतान लड़की, तेरी ये हिम्मत? रुक जा, अभी तेरी खबर लेता हूँ। अरे रुक जा, परेशान करती है मुझे, रुक जा। पंडित जी, शुभांगी मेरी बेटी है और वो अपने घर में, अपने आंगन में जो चाहे कर सकती है। आज फिर से आपने एक कानूनी अपराध किया, एक बच्ची के हाथ से उसका खिलौना छीन के उसे तोड़ने का। क्या समझते आप अपने आप को? दूसरों के घर में जबरदस्ती घुसकर उनके मेहमानों को भला बुरा कहना, बच्चों के हाथ से खिलौना छीनना शोभा देता है आपको?
खुद को संगीत के पुजारी मानते हैं, अपने आप को कलाकार कहते हैं, तो खंजीरे जैसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपने तोड़ा कैसे? अरे आप तो छोटे इंसान ही नहीं, बहुत छोटे कलाकार भी हो। उस्ताद होंगे आप, लेकिन ऐसे उस्ताद का क्या फायदा जो लोगों को अपने मनपसंद संगीत का आनंद ना लेने दे। अब कान खोलकर सुन लीजिए, मेरी शुभांगी को इससे आगे कभी भी आपने तंग करने की कोशिश की तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तिरकिट था। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।